नमस्कार दोस्तों, रोहित स्टडीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनरल नॉलेज से संबंधित करीब 50 प्रश्न लाया हूँ। और दोस्तों, इन सब प्रश्नों को अवश्य सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल यूपीएससी एनटीपीसी रेलवे लोको पायलट आरआरबी यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को मैं छाँट कर आपके सामने ला रहा हूँ। तो दोस्तों, समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न एक, टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? इसका बी सही है, पारसी। आप ध्यान देंगे, टावर ऑफ साइलेंस भारत में पारसी धर्म से संबंधित है। प्रश्न दो, कंबोडिया का अंकुरवाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? इसका डी सही है, विष्णु। आप ध्यान देंगे, कंबोडिया का अंकुरवाट मंदिर विष्णु देवता से संबंधित है। प्रश्न तीन, भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो इसका ए सही है, भीष्म पर्व। आप ध्यान देंगे, भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। प्रश्न चार, निम्नलिखित में पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? इसका डी सही है, अमृतसर। आप ध्यान देंगे, पंजाब का अमृतसर शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। प्रश्न पाँच, सीडी बशीर मस्जिद कहाँ है? इसका बी सही है, अहमदाबाद। आप ध्यान देंगे, सीडी बशीर मस्जिद अहमदाबाद में है। प्रश्न छः, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? इसका सी सही है, हजरत हुसैन शाह वली द्वारा। आप ध्यान देंगे, हैदराबाद की हुसैन सागर झील हजरत हुसैन शाह वली द्वारा बनवाई गई थी। प्रश्न सात, राजस्थान का किशनगढ़ किला किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सी सही है, चित्रकला। आप ध्यान देंगे, राजस्थान का किशनगढ़ किला चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न आठ, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका ए सही है, साहित्य में। आप ध्यान देंगे, व्यास सम्मान साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नौ, निम्नलिखित में कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा कहा? तो इसका डी सही है, कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। आप ध्यान देंगे, कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, उसे यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा कहा था। प्रश्न दस, क्षत्रिय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सी सही है, असम का। आप ध्यान देंगे, क्षत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया? तो इसका सी सही है, महाराजा रणजीत सिंह। आप ध्यान देंगे, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया था। प्रश्न 12, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? इसका डी सही है, मध्य प्रदेश। आप ध्यान देंगे, राष्ट्रीय कबीर सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रश्न 13, भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में किसने शिव तांडव स्त्रोत्र शुरू किया था? इसका बी सही है, रावण ने। आप ध्यान देंगे, रावण ने शिव तांडव स्त्रोत्र शुरू किया था। प्रश्न 14, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? इसका ए सही है, विश्वकर्मा जयंती। आप ध्यान देंगे, विश्वकर्मा जयंती त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 15, एमराल्ड बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इसका डी सही है, थाईलैंड। आप ध्यान देंगे, एमराल्ड बुद्ध मंदिर थाईलैंड में स्थित है। प्रश्न 16, वेद समाज की स्थापना किसने की? तो इसका डी सही है, केशव चंद्र सेन ने। आप ध्यान देंगे, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। प्रश्न 17, शून्य का आविष्कार किसने किया? इसका बी सही है, आर्यभट्ट ने। आप ध्यान देंगे, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। प्रश्न 18, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? इसका डी सही है, भारतीय संग्रहालय कलकत्ता। आप ध्यान देंगे, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय है,
जो कि कोलकाता में है। प्रश्न 19, मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है? इसका ए सही है राजस्थान। आप ध्यान देंगे, मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट राजस्थान में स्थित है। प्रश्न 20, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? इसका डी सही है किसान कन्या। आप ध्यान देंगे, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या है। प्रश्न 21, पंचमहल कहाँ स्थित है? इसका सी सही है फतेहपुर सीकरी। आप ध्यान देंगे, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। प्रश्न 22, सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? इसका सी सही है तमिलनाडु में। आप ध्यान देंगे, सूर्य मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न 23, कुरान का पहला अध्याय क्या है? इसका सी सही है अल-फतह। आप ध्यान देंगे, कुरान का पहला अध्याय अल-फतह है। प्रश्न 24, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? इसका बी सही है पारसी। आप ध्यान देंगे, अग्नि मंदिर पारसी धर्म का पूजा स्थल है। प्रश्न 25, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका बी सही है कराची में। आप ध्यान देंगे, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कराची में स्थित है। प्रश्न 26, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? इसका बी सही है रंगनाथ स्वामी मंदिर। आप ध्यान देंगे, भारत का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर है। प्रश्न 27, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? इसका ए सही है पुदुचेरी। आप ध्यान देंगे, मैत्री मंदिर पुदुचेरी में स्थित है। प्रश्न 28, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सी सही है लद्दाख में। आप ध्यान देंगे, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान लद्दाख में स्थित है। प्रश्न 29, ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? इसका बी सही है उड़ीसा में। आप ध्यान देंगे, ब्लैक पैगोडा उड़ीसा में है। प्रश्न 30, निम्नलिखित में कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? इसका ए सही है बाघ की गुफाएं। आप ध्यान देंगे, बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है, यह मध्य प्रदेश में है। प्रश्न 31, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म या रीति है? इसका ए सही है अरुणाचल प्रदेश। आप ध्यान देंगे, दोनी पोलो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों का धर्म या रीति है। प्रश्न 32, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? इसका बी सही है राजस्थान का। आप ध्यान देंगे, 13 ताली नृत्य राजस्थान का नृत्य है। प्रश्न 33, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? इसका ए सही है हरियाणा में। आप ध्यान देंगे, प्राचीन भीमा देवी मंदिर हरियाणा में स्थित है। प्रश्न 34, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? इसका डी सही है मैसूर में। आप ध्यान देंगे, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। प्रश्न 35, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? इसका बी सही है राष्ट्रकूट। आप ध्यान देंगे, एलिफेंट की गुफाएं मुख्य रूप से राष्ट्रकूटों से संबंधित है। प्रश्न 36, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? इसका डी सही है भील। आप ध्यान देंगे, भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है। प्रश्न 37, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसका सी सही है 1969 ईस्वी में। आप ध्यान देंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 38, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? इसका ए सही है दिल्ली में। आप ध्यान देंगे, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया राजपिथौरा किला दिल्ली में है। प्रश्न 39, गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो इसका ए सही है शारदा लिपि। आप ध्यान देंगे,
गुरुमुखी, डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है। प्रश्न 40, मेदम मे फाई किस प्रदेश का त्योहार है? इसका बी सही है, असम का। आप ध्यान देंगे मेदम मे फाई असम का त्योहार है। प्रश्न 41, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका बी सही है, जयपुर। आप ध्यान देंगे जयपुर में प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव मनाया जाता है। प्रश्न 42, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली बकरी कौन सी है? इसका ए सही है, जमुनापरी। तो आप ध्यान देंगे भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली बकरी जमुनापरी है। प्रश्न 43, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? इसका बी सही है, दिल्ली में। आप ध्यान देंगे भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन दिल्ली में स्थापित किए गए थे। प्रश्न 44, इतिहासकारों ने निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? इसका बी सही है, अकबर को। आप ध्यान देंगे इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा अकबर को दिया था। प्रश्न 45, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? इसका डी सही है, हुमायूं और शेरशाह के बीच। आप ध्यान देंगे चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका बी सही है, झारखंड। आप ध्यान देंगे झारखंड राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न 47, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? इसका सी सही है, पुष्कर मेला। आप ध्यान देंगे पुष्कर मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 48, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? तो इसका बी सही है, 5 घंटे 30 मिनट का। आप ध्यान देंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। प्रश्न 49, मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? इसका डी सही है, 7। आप ध्यान देंगे मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित था। प्रश्न 50, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो इसका बी सही है, 30 डिग्री। आप ध्यान देंगे भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। प्रश्न 51, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? आप ध्यान देंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो दोस्तों ये 51 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा होता है। इसके बाद में 50 प्रश्न का और भी वीडियो बनाकर ला रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।